यूक्रेन के बीच अब खेरसोन में फिर से नया वॉर फ्रंट खुल गया है, जहां पर रॉकेट विंग रशिया की रात भर हमले जारी रखती है। इसके साथ ही नीपर में यूक्रेनी सेना को पीछे खदेड़ने का दावा किया गया। कीव से 550 किलोमीटर दूर खेरसोन इलाके में रूस की तरफ से वीडियो जारी हुआ। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने BM-21 गार्ड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का दम दुनिया को दिखाया। खेरसोन से 834 किलोमीटर दूर रूस के कुत्स में यूक्रेनी फौज पर काउंटर करने वाली तस्वीरें सामने आईं। रूस की सेवर फोर्सेस ने यूक्रेन की बंदरबख्त गाड़ी को लोकेट किया, फिर हवाई हमले कर दिए। रूस के स्पेशल ऑपरेशन में मिसाइल अटैक वाला सिस्टम भी शामिल था। डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक टॉर M2 सैम सिस्टम ने दुश्मन के ठिकाने को टारगेट किया और फिर मिसाइलें दाग दी गईं। रूस ने लड़ाई का छोर अब डेनोस की तरफ मोड़ दिया है, इसीलिए वहां पर बक MI सैम मिसाइल सिस्टम ने मोर्चा संभाला हुआ है। साउथ डेनोस में भारी नुकसान की खबर है। डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि बैक टू बैक 53 मिसाइल अटैक की गई। इनमें भी पोक्रोवस्क को टारगेट करने के लिए एरियल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। अब रूस का मेन फोकस ईस्टर्न यूक्रेन है। रूस ने पहले नियोयाक पर कब्जा जमाया और अब रूस की आर्मी ने दावा किया कि अब वो मेजोव अद्दीविका के साथ दूसरे सेटलमेंट की तरफ बढ़ चुकी है। रशिया यूक्रेन युद्ध को 910 दिन हो गए हैं। डाकुत्स की बात करें तो यूक्रेन ऑफेंसिव पोजीशन में है, वहीं डोनेत्स्क में रशिया इंच दर इंच अपने कब्जे को बढ़ा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।